हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज दिन है मंडे और टाइम है 11:15 होने वाला है। हाँ, तो खाना बन चुका है। आज मेरा खाना ना 8:30 बजे तक ही बन गया था और अभी सिर्फ बनाना है गर्मा गर्म चावल, क्योंकि आज जिसु अभी हॉस्पिटल गया था और हम लोग को आज जाना है रेणुकूट, क्योंकि यहाँ पे नहीं होता है ना, तो रेफर हो गया है। जिसु का आज वो वाला जो प्लास्टर है वो निकलेगा और पक्का वाला जो है ना वो वाला चढ़ेगा। तो मुझे ऐसा लगा था कि 9, 9:30 बजे हम लोग निकल जाएंगे, एक बार यहाँ दिखाएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। लेकिन ये हुआ ना कि डॉक्टर 2 बजे से बैठते हैं, तो इसीलिए थोड़ा और मैं आराम आराम से काम करने लगी और फटाफट मैंने पहले वीडियो को अपलोड पे लगा दिया। पहले सोची थी कि रास्ते में अपलोड पे लगा दूंगी, लेकिन जब देखे टाइम था तो मैं अपलोड पे लगा दी। और जीसू हॉस्पिटल से आ चुका है और मैंने आयरन करके सब रख दिया है। आज ना इतना ज्यादा वो जब कहीं जाने वाला होता है ना इंसान, तो बहुत ज्यादा काम हो जाता है। सब लोग घर में नाश्ता कर चुके हैं, जीसू को भी करा दिए हैं, और इसके बाद फिर जीसू कुछ भी नहीं खाएगा, क्योंकि वहां जब जाएगा ना तो खाली पेट ही जाना है। और जिया नहा के घर चली गई है, क्योंकि हम लोग 3 ही लोग जा रहे हैं, एक गाड़ी पे 3 ही लोग जा सकते हैं ना। मुझे भी ये लोग नहीं ले जा रहे थे, बोले नहीं आप मत जाइए, लेकिन मैं इस बार जबरदस्ती जिद करके जा रही हूँ। और ये लोग मेरा मजाक भी उड़ा रहे थे कि मॉल के चक्कर में जा रही है, क्योंकि आज से मॉल खुल रहा है ना। लेकिन कोई कह नहीं सकते हैं, अगर जब यहाँ हॉस्पिटल में ही लेट हो जाएगा तो नहीं जाएंगे, और नहीं होगा तो एक बार कोशिश जरूर करेंगे कि जाएं, और कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ क्लियर नहीं कर सकते। ओके, तो खाना पीना बन चुका है, अब नहाने के लिए मैं सोच रही थी अभी नहाऊं कि नहीं नहाऊं, आने के बाद नहाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल से आने के बाद नहाना ही है और गर्मी बहुत ज्यादा है। तो देखते हैं, अभी तो टाइम है 1-1.5 घंटे का, नहा लेते हैं, फिर आने के बाद भी नहा लेंगे। और मैं जा रही थी ना अभी मास्क में ये लगाने के लिए, इलास्टिक, ये पुराना मास्क था जो सब लोग यूज कर चुके थे, तो उसका मैं निकाल ली थी इलास्टिक, क्योंकि अभी मिल नहीं रहा था तो। और मुझे थोड़ा सा मास्क में लगाना है, वो वाला रस्सी वाला है ना, तो बार बार रस्सी लगाओ तो उलझन होती है, तो मैं सोची कि आज इसमें कर देती हूँ। तो चलिए, हस्बैंड गए हैं मेरे ख्याल से अभी गाड़ी में तेल भरवाने के लिए गए हैं, और मैं चलूँ मास्क निकालती हूँ और उसके बाद फिर उसमें इलास्टिक लगा देते हैं, फिर आगे का काम देखते हैं। और हाँ, मैंने ना फ्लिपकार्ट से अपनी क्रीम मंगाई थी, शैम्पू मंगाया था और फेस वॉश मंगाया था, तो सब आ गया है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि 3-4 महीने बाद जाके मुझे अपना सब कुछ मिला है, फेस वॉश क्रीम व्रीम सब, तो बहुत ज्यादा खुश हैं। और ये अब मैं आप लोगों के साथ ना कल के ब्लॉग में शेयर करूँ, क्योंकि आज वाले में भी टाइम नहीं है, वैसे तो मैं दिखाती लेकिन अभी टाइम नहीं है। और भी बहुत सारा सामान आया अभी, जो फ्लिपकार्ट पे जो सेल चल रही थी ना, तो उसी का हम लोग फायदा उठाए। मेरे पास टोस्टर नहीं था तो एक ये टोस्टर मंगाए हैं और क्रीम आया है, और एक चादर भी आई है। चादर वैसे तो मुझे लग नहीं रहा था कि बहुत अच्छा निकलेगा, क्योंकि शायद 300 रुपए का था डबल बेड, तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा नहीं होगा, लेकिन आया ना तो बहुत अच्छा आया है, और एकदम सूती है, कॉटन वाला चादर है, तो बहुत अच्छा है। वो भी मैं आप लोग को कल के ब्लॉग में ही दिखाऊंगी, आज के नहीं हो पाएगा। तो पहले मास्क निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, तो मैं सारा मास्क इसी में रखती हूँ, एक जगह रहता है ना तो आसानी से मिल जाता है। और लगी हाथ, मैं आप लोगों को ना एक चीज और दिखाती हूँ, इधर आके दिखाती हूँ, वहां पे ना शोर होता है। हाँ, तो बहुत से मेरे सब्सक्राइबर ये कह रहे थे ना कि जीसू को ज्यादा चोट नहीं लगी है, बहुत छोटी सी चोट है, तो छोटी सी चोट नहीं है, मैं आपको एक्सरे दिखाती हूँ, निकाल लूँ उसके बाद।
तो ये वाली जो हड्डी देख रहे हैं ना, जो आप लोग की अलग हो गई है, ये देखिए। तो यही हुआ था जीसू का फ्रैक्चर, तो ये हड्डी ही पूरी निकल गई थी है। तो बस ये अब जुड़ गया है, और जो जुड़ गया है मैं उसका भी आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये रहा जो जुड़ गया है, तो अभी इसके हाथ का ये हाल है। तो चलिए मैं मास्क कर देती हूँ ठीक ठाक, और उसके बाद फिर मिलते हैं। ये मास्क है देखिए, तो इसको मैं ठीक कर लूँ, इलास्टिक लगा ही दूँ तो ज्यादा अच्छा है, फिर मिलते हैं। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं। मारो 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 मारो। ये दोनों लोग बैठे आगे और हमको बस हड़काए पड़े हैं और कुछ नहीं। ये देखिए, तो हम लोग घर से निकल गए हैं और अभी स्टार्ट से ही हम डांट खाते हुए निकल रहे हैं, और पता है कि वहां पहुंचते पहुंचते डांट जरूर खाते चलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, देखिए आगे आगे क्या होता है। और टाइम हो रहा है अभी 1:05 बाकी है। धूप और छांव एकदम लगी हुई है, कहीं कहीं धूप है कहीं कहीं छांव है। बस मौसम अच्छा हो जाए तो और भी मजा आ जाए। और आगे ये भी पता है कि रास्ता बहुत ज्यादा खराब है रेणुकूट तक का। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये है लेंको का प्लांट, और यहाँ पे ना बहुत सारे पावर प्लांट हैं, तो आपको जगह जगह पे प्लांट मिल जाएंगे। और ये देखिए मार्केट की रौनक तो फिर से वापस आ गई, और ये है हरियाली। और मुझे ना सावन के महीने में जब बारिश वारिश वाला जो मौसम होता है, जब सब जगह हरा भरा हो जाता है ना, तब गाड़ी से जाने में बहुत मज़ा आता है। वो जो हरियाली होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ देखिए मेरा हाल, पीछे बैठ के बहुत बेहाल है, रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है। तो पूरा रास्ता ऐसा लग रहा था ना कि बस झूला झूलते हुए जा रहे हैं, और मेरे ना पेट में भी थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा था, इतना रास्ता बहुत ज़्यादा खराब था। और आते तक तो मेरा सर दर्द हो गया था, और अभी जब हम लोग जाते हैं ना तब तो थोड़ा ठीक था, लेकिन आते समय पानी बरस गया था। और ये जो सामने आप लोग गाड़ी देख रहे हैं ना, ये मुझे बहुत टेंशन दे रही थी, क्योंकि ये जो रॉड और जो पाइप लगी रहती है ना, ये वाली गाड़ी से मुझे बहुत डर लगता है। बहुत देर तक ये गाड़ी आगे थी, और जब तक आगे थी तब तक हम लोग के जान अटकी हुई थी। इससे एक्सीडेंट बहुत तेज़ी से होता है, और जब भी कभी जाइए और ऐसा अगर गाड़ी सामने मिलता है तो थोड़ा सा दूरी बना के चलिए, या तो कोशिश करिए कि उस गाड़ी से आगे निकल जाएं। तो यहाँ पे हम लोग रेणुकूट पहुँच गए हैं, तो अभी आएगा रेलवे स्टेशन। ये देखिए ये रेणुकूट का रेलवे स्टेशन है। तो बस हम लोग रेणुकूट में इंटर कर चुके हैं, और यहाँ देखिए ये मैंने मास्क लगा दिया जो अभी मैं सेट कर रही थी ना, और ये लोग मुझे इतना हड़काए पड़े थे कि 10 रुपए की चीज़ के लिए मम्मी बैठ के ये कर रही थी वो कर रही थी। तो क्या बुरा है, देखिए वो रस्सी वाला था और मैंने थोड़े से उसमें अपना काम कर लिया और मुझे आराम हो गया। क्या ज़रूरत है 10 रुपए खर्चा करें, लेकिन मुझे इन लोग ना रास्ते भर हड़काते हुए गए। और ये हम लोग रेणुकूट के, ये बैंक है, और पहले ऐसा बैंक नहीं था जब मैं वहाँ रहती थी, तो थोड़ा लोकल वाला था, लेकिन अब रेणुकूट बहुत चेंज हो गया। और मैं यहाँ आ गई हॉस्पिटल में, और जीसू मुझे घूर रहा है, बोला कि मम्मी आप यहाँ पे कैमरा नहीं उठाएंगी, कोई शूट नहीं करेंगे, लेकिन मैं मान ही नहीं रही थी। और देखिए पीछे कोई भी नहीं है, सिर्फ हम ही लोग लग रहे हैं कि बैठे हैं, और कोई नहीं था। भीड़ बहुत कम थी, बहुत कम। वहाँ पे देखिए हस्बैंड खड़े हैं और जीसू गया है अंदर। और अब हम लोग हॉस्पिटल से निकल गए हैं, और टाइम हो रहा था 4:15 के लगभग हो रहा था। तो ये है रेणुकूट जहाँ पे मेरा बचपन पूरा बीता है, और हम लोग पैदल ही अधिकतर आना जाना करते थे जब खेलते थे ना, तो हम लोग पैदल ही निकल जाते थे, और उस समय इतना गाड़ी घोड़ा का वो भी नहीं था। और ये सुपर बाजार, ये अब तो मॉल हो गया, लेकिन पहले बहुत छोटा सा था, तो हम लोग बहुत कम यहाँ पे आते थे सामान वामान के लिए। तो ये है रेणुकूट, बहुत बदल गया है समय के साथ, सब चीज बदलाव हो गया, लेकिन अभी भी मुझे ना वो पुराना वाला रेणुकूट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये छोटा सा पार्क है बच्चों के लिए, और रास्ते में सबको भूख बहुत तेज़ लगी थी, क्योंकि हम मैं भी खाना नहीं खाई थी, बहुत थोड़ा सा खाई थी, और जीसू भी नहीं खाया था। तो हस्बैंड कुछ सामान ले लिए थे खाने पीने का, समोसा है, मोमोज है, केला है,
और था जलेबी, गर्मा गर्म बन रही थी तो ये ले लिए। बोले कि चलो रास्ते पर खाते चलेंगे। समोसा बहुत ही टेस्टी था, वो भी गर्म गर्म होता है ना, और बारिश हो रही है बाहर, वो जो हल्की हल्की जो बौछार होती है ना उस टाइप का, तो उसमें गर्मा गर्म समोसा बहुत अच्छा लग रहा था। और जब वो हल्की हल्की बौछार जब फेस पे गिरता है ना, जब वो हवा के साथ आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बारिश हो रही है और उसके बाद फिर धूप भी है, तो आधे में बारिश मिली थी और आधे में फिर बहुत तेज वाली धूप देखिए। तो ये तो मौसम एकदम नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रुके थे चाय वाय पीने के लिए, तो ये जीसू को ला के दिए कोल्ड ड्रिंक। तो अभी देखिएगा ये जीसू कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, हमसे कह रहा है कि कैमरा हटाइए। और ये देखिए, तो मैं बोली कि चलो थोड़ा सा बना देते हैं और जिया को दिखाने के लिए, तब ये तैयार हो गया, बोला हाँ ठीक है। तो हम लोग निकल गए हैं और आधा घंटा से अभी ज्यादा ही है टाइम पहुंचने के लिए, और आधा रोड हम लोग पार कर चुके हैं। और आधे दूर पे पानी बरस रहा था, हम लोग वहीं से निकले ना, तो वहीं से पानी बरस रहा था, और आधे दूर पे तो भयंकर वाला था और रोड पे पानी भर गया था। हम लोग कैसे कैसे बच के निकले हैं, और यहाँ पे धूप बहुत तेज है, तो यहाँ गर्मी लग रही है, वहां पे ठंडी था। और मॉल वॉल कहीं कुछ नहीं, हम लोग गए, हम लोग सोचे मौसम खराब हो रहा है तो सीधे पहले घर चले, और समोसा वोसा खा लिए हैं, और जीसू कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। कोल्ड ड्रिंक वैसे भी ले लिए थे हस्बैंड, लेकिन कोई पिया नहीं, और अब घर चल के पियेंगे। तो समोसा खा चुके हैं, तो चाय पीने का मन कर रहा था, बहुत देर से निकले हैं ना, तो बस चाय लेकर आ रहे हैं ये। और कहीं बाहर निकलिए तो चाय तो बनती ही है, कहीं गुमटी उमटी पे चाय पीने का वो अलग ही मजा है बरसात के टाइम में। पापा माजा ला रहे चाय में। पापा माजा ला रहे हैं, वो जिया के लिए ला रहे होंगे, हम जान रहे हैं। पापा ये क्या है, तुम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो ना, तुम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो ना। हाँ, तो चाय लाने गए हैं, लेकिन अभी चाय लेकर आ नहीं रहे हैं। यहाँ पे गुमटी पे ना हम लोग पहले भी चाय पीते थे, अच्छी चाय बनाते गोमटी, हाँ छोटी सी जो दुकान होती है ना उसे। तो बस चाय पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं। ये चाय लेके आ रहे हैं, कितना धीरे धीरे आ रहे थे, तो वही हम लोग हंस रहे थे। और ये है कुल्हड़ वाली चाय, तो ये चाय का अलग ही मजा होता है, और बनाना ना पड़े, अब बैठे बैठे मिल जाए तब तो और भी मजा आता है। तो बस यहाँ हम लोग चाय पी लेते हैं। तो हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल से, और आए हुए हम लोग को आधा घंटा हो गया, साढ़े सात कह रहे हैं, 7:45 बजे हम लोग आए हैं। और आते ही फिर सब लोग नहाने होने लगे, और जीसु का बदन वदन पोंछ दिए थे, सब चीज हो गया। और मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा खराब था, और बस जाना और आना था ना, उसकी वजह से मेरे सर में दर्द हो रही है। तो अभी पी रहे हैं हम लोग चाय दोनों लोग, और उसके बाद जाएंगे खाना बनाने के लिए। हम लोगों के लिए यही होता है, जाने से पहले खाना बनाओ, सब साफ उफ करो, फिर आने के बाद फिर खाना बनाओ, फिर साफ करो। तो यही हम लोगों के किस्मत में है और यही करना है। बहुत ज्यादा एकदम सर दर्द हो रहा है, मन तो कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन खाना बनाना है। बच्चों को सबको नींद आ रही है, सब थक गए हैं, सिर्फ आने जाने से भी बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है। तो बस चाय पी ले, और आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।